सो गाइस, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान की, जो कि सीजी व्यापम पीएससी में अक्सर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जो लोग फ्री डेमो क्लास करना चाहते हैं तो अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सिलेक्शन कोर्स बताइएगा। जो सिलेक्शन कोर्स में है अपना यहाँ पर लिखिएगा सीजी व्यापम या पीएससी, जिसकी आप तैयारी करना चाहते हैं, जैसे हॉस्टल वार्डन हो गया है या एडीओ हो गया है, ठीक है। जिसकी आप तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेक्शन कोर्स में अपना नाम वो आप बताइएगा और नाम अपना डालिएगा, ठीक है। आज से हमारे YouTube चैनल पर संविधान यानी कि भारत की संविधान से प्रश्न मिलेगा, ठीक है। जो लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। साथ ही डेली क्लासेस कराया जाएगा तो नोटिफिकेशन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करके रख लीजिएगा। डेली आपको संविधान से क्वेश्चन कराया जाएगा, साथ ही भारत के जितने भी क्वेश्चन हैं, भारत से जितने भी हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं विगत वर्षों के प्रश्न उत्तर आप सभी को कराएंगे। जो लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न होगा, सर्वसम्मति ने निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति है सर्वसम्मति, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर एस राधा कृष्ण, जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं, सर्वप्रथम राष्ट्रपति, ठीक है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति हैं। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है, तो ऑप्शन देखते हैं, जिस देश का अपना कोई धर्म ना हो। सेकंड ऑप्शन है सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण। थर्ड क्वेश्चन है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्र धर्म का विशेष संवैधानिक महत्व देना। तो धर्मनिरपेक्ष अर्थ होता है आपका सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। तो ये ऑप्शन कौन सा में दिख रहा है, सी, ऑप्शन सी में। तो सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है। देखिए दोस्तों, आज से हमारे YouTube चैनल पर संविधान के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। हिस्ट्री का देखिए वो भी कराएंगे, 2 से 3 दिन लग सकता है। साथ ही छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, ठीक है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का डेली यानी कि 8वां वीडियो अपलोड कर दिया गया है, ठीक है, यानी कि 8 वीडियो अपलोड हो चुका है। यानी कि आपको 10 दिन का क्रैश कोर्स चल रहा था, उसमें 50-50 MCQ कराया जा रहा था, लेकिन वहां पर 8 वीडियो अपलोड हो चुका है, यानी कि 400 क्वेश्चन। अगर छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां अपना छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान यानी कि हॉस्टल वार्डन का टेस्ट सीरीज लिखा होगा, वहाँ आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ आपको पूरा क्लासेस मिल जाएगी। और परीक्षा से देने से पहले उस वीडियो को एक बार पूरा रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलिए इसके बाद ये देखिए जो हमारा फ्री डेमो क्लासेस है, तो अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और सिलेक्शन कोर्स। सिलेक्शन कोर्स में अपना सीजी व्यापम में पीएससी लिख सकते हैं या फिर हॉस्टल वार्डन या एडियो की, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। जो लोग सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे उसी को नोटिफिकेशन भेजा जाएगा आपसे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान दी गई है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा का आंसर सी हो जाएगा, 22 भाषाओं को प्रदान की गई है, ठीक है, संविधान द्वारा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालक की शक्ति किस में निहित होती है। तो देखिए यहाँ पर जो समस्त कार्यपालक की शक्ति होती है वो किस में होती है, तो ऑप्शन 4 का ए हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। जो राष्ट्रपति सब पद्धति से समस्त जो कार्यपालिका शक्ति होती है राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है, किसके अंदर निहित होती है, तो राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है, ठीक है। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं व्यापम पीएससी की, उनके लिए बेस्ट क्लास लेकर लाए हैं। आज से संविधान का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। आपका 5वां क्वेश्चन, सरकारी आयोग का संबंध क्या है। तो देखिए सरकारी आयोग का जो संबंध है उसका आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंधों से। देखिए जो सरकारी आयोग का संबंध होता है वो केंद्र राज्य से होता है, ना कि
नदी पानी का होगा, ना ही सूचना अधिकार से, नहीं लाभ के पद से, तो किससे होगा? केंद्र सरकार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, कितने के अनुसार? 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कितने पति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगा, सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर आप बताइएगा राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो देखिए, राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक ऐसी पद्धति या एक ऐसी अपनाई जा ऐसी विधि अपनाई जाती है जो कि आपका उपयुक्त सभी होगा। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत पद्धति प्रणाली, अप्रत्यक्ष मत प्रदान या उपयुक्त सभी, तो ये सभी हो जाएगा जो कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, अप्रत्यक्ष चुनाव तथा ये राष्ट्रपति के लिए विधि अपनाई जाती है। इसके बाद का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले में किसके पास भेजे जाते हैं? जो राष्ट्रपति चुनाव होता है वो उच्च न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। किसके पास भेजे जाते हैं? तो उच्च न्यायालय के पास राष्ट्रपति चुनाव संबंधी जो भी मामला होता है वह उच्च न्यायालय के पास भेजा जाता है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न व्यापम पीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आज के लिए डेमो क्लासेस है। ठीक है, और कल से डेली आपको 10-10 वीडियो करके आपको क्लास अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भारत का वर्णन किस रूप में करता है? जो भारतीय संविधान होता है तो भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो राज्यों का संघ के रूप में। ठीक है, राज्यों का संघ के रूप में भारतीय संविधान का वर्णन करता है। भारत का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित होता है? तो भारत का उच्च न्यायालय, जल्दी कमेंट कीजिएगा इसका आंसर कौन सा आ रहा है। सभी लोगों का आंसर क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ठीक है, तो भारत का उच्च न्यायालय दिल्ली होता है, नई दिल्ली ना, नई दिल्ली भारत का उच्च न्यायालय, बिल्कुल राइट, सभी का आंसर आ रहा है। देखिए, 12 से 13 लोगों का आंसर आ चुका है। ठीक है, और कोलकाता नहीं होगा, ये मुंबई कौन डाल रहा है, मुंबई तो होगा ही नहीं। देखिए, भारत का उच्चतम न्यायालय पूछा गया है ना, उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो नई दिल्ली में होगा। राज्यसभा कब भंग की जाती है? जो राज्यसभा होता है उसको कब भंग कर दी जाती है? तो इसका आंसर, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। देखिए, बहुत लोग बोल रहे हैं राष्ट्रपति शासन से कहाँ जाएगा भैया। देखिए, राज्यसभा कब भंग नहीं की जाती बोला गया है, तो राज्यसभा कभी भंग ही नहीं होता। लोकसभा भंग किया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा भंग किया जा सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, लोकसभा भंग कर दिया जाए। अब ये पहले बताइए कि आप सभी के लिए क्वेश्चन है, यहाँ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा के लिए कितने सदस्यों की सीटें संख्या है और राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों के हैं वो आप कमेंट में बताइए। ठीक है, राज्यसभा के लिए, राज्यसभा और लोकसभा कितने सीटें हैं तो आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, राज्यसभा और लोकसभा की सीटों की संख्या के बारे में। इसके बाद, लोकसभा को उसके कार्यकाल को समाप्ति के पूर्व ही कैसे भंग किया जाता है? तो देखिए, लोकसभा जो है उसको कैसे भंग किया जाता है? उसके कार्यकाल के समाप्ति के पहले ही बोला गया है, समाप्ति के पहले कैसे भंग किया जाता है? तो इसका आंसर कैसा होगा? राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार, जैसे राष्ट्रपति चाहेगा वो इसी हिसाब। ठीक है, राष्ट्रपति जैसे ही चाहेगा उसको कार्यकाल समाप्ति के पहले उसको भंग कर दिया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? उसकी इच्छा अनुसार। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकसभा नहीं आएगा ना, ये गलत है, यहाँ पर उसकी इच्छा अनुसार बोला गया, ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त चुना गया है? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो जल्दी बताइए, सभी का आंसर आ चुका है बी। ठीक है, सभी का आंसर बी आ रहा है, 15 से 16 लोगों का आंसर आना आ चुका है। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। तो ठीक है, तो आप सभी के लिए एक और प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, अब इसके बाद है आप सभी को मैं पूछ रहा हूँ एग्जाम्पल में। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है आप कमेंट बॉक्स के आंसर में जरूर दीजिए। जो लोग व्यापम पीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो तो फटाफट आंसर दे ही चुकेंगे, लेकिन अन्य विद्यार्थी के लिए भी क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है, किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, जल्दी आंसर बताइएगा। इसके बाद है 14 का, संसद के दो क्रमिक अधिवेशन, संसद का दो क्रमिक अधिवेशन में बीच बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति देता है? तो इसका आंसर आपका बी होगा, 6 माह, 6 माह के अंदर आपको अनुमति या समय दिया जाता है।
प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो इसका 15 का क्वेश्चन आ जाएगा, भीमराव अंबेडकर। देखिए यहाँ बी एन राव कौन कौन डाल रहा है, इसका आंसर एक ऐसे आएगा, डी आएगा ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा गया है। कैसे बेवकूफ लोग कैसे ये डाल रहे हैं, देख रहे हो। भारतीय संविधान सभा का किसके अनुसार गठित की गई है, अरे भाई देखो एक मिनट ना, कौन है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन कौन पूछ रहा है भाई, जब अभी कौन सा क्लास चल रहा है, भारत का चल रहा है ना, भारत का संविधान चल रहा है, आप छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन कर रहे हो, रिमूव कर दूंगा फिर आपको, फिर बोलना मत। भारतीय संविधान सभा का किसके अनुसार गठित की गई है, तो देखिए भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना, जो कि भारतीय संविधान सभा के अनुसार गठित की गई है। बिल्कुल सही आ रहा है सभी लोग को, संसद कहाँ है, कैबिनेट मिशन ना। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल अवधि क्या है, तो राज्यपाल का कार्यकाल अवधि होता है कितना वर्ष का होता है, जल्दी बताइए राज्यपाल का कार्य कितना होता है, इसका आंसर देखिए। हाँ बिल्कुल सही, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के बाद ही राज्यपाल का कार्यकाल होता है। कौन बोल रहा है 5 वर्ष, अरे भाई देखिए राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है प्रसाद पर्यंत के बाद ही होता है, ठीक है ना, वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है, देखिए भारतीय संविधान की कितनी भाषा है, तो इसका आंसर कितने बहुत लोगों का आ रहा है। ठीक है, भारतीय संविधान की, हाँ बताइएगा आंसर कितना आएगा, अच्छा चलिए 22 भाषा बोल रहे हैं, चलिए ठीक है भाई को, चलिए भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है, देखिए जो मूल कर्तव्य है कहाँ से लिया गया है, जल्दी बताइए जो मूल कर्तव्य है कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान के लिए, तो आपका आंसर है रूस से लिया गया, बिल्कुल राइट, ए आ रहा है, सभी लोग का आंसर आ रहा है। चलिए आप लोगों का एक क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य बोला गया है ना, जो मूल कर्तव्य है कौन से अनुच्छेद से लिया गया है, ठीक है कौन से अनुच्छेद से लिया गया है ये कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, और आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आर्टिकल नंबर टू में क्या लिखा गया है कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, आर्टिकल नंबर टू यानी कि अनुच्छेद 2 में क्या लिखा गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ठीक है लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है 20 का, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से क्यों माना जाता है, भारत का जो एक गणराज्य है मुख्य रूप से क्यों माना जाता है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, चाहे ग्रुप में आप इसका आंसर दे सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया है वहाँ जाके ज्वाइन कर ले, या फिर इसी वीडियो का कमेंट में आप आंसर देना स्टार्ट करें, भारत को एक गणराज्य के रूप में मुख्य रूप से क्यों माना जाता है। देखिए हाँ बिल्कुल सही, हाँ लेकिन इसको आप कमेंट में बताइए, ठीक है कमेंट कीजिएगा। हाँ 2 से 3 लोगों का आंसर आ चुका है, लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए राकेश का, सोनू का, गीता का, राजेश का, राजेश यादव ना, ठीक, ममता, हाँ राधिका, हाँ इन लोग सभी का आंसर आ रहा है। ठीक है, बाकी लोग का क्यों नहीं आ रहा है इसका आंसर, चलिए नहीं आ रहा है तो एक बार एनालिसिस करके इसका आप आंसर कमेंट में ज़रूर दें। ठीक है, भारत को एक गणराज्य के रूप में मुख्य रूप में क्यों माना जाता है, तो इसका हाँ बहुत लोगों का तो आंसर आ ही चुका है, 15 अगस्त 1947 को मिली थी ना, बिल्कुल राइट, चलिए मैं ही बता दिया है ना, चल कोई बात नहीं, बहुत लोगों का आंसर आ चुका है 15 अगस्त। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है ये डेमो क्लासेस था ऐसे ही, मतलब आज से ये आपके लिए कराया जाएगा, ठीक है डेली। ओके, थैंक यू रितेश, थैंक यू मीना, थैंक यू योगेश, बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ना, ठीक है वीडियो को।